हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिड बेंचर्स क्लासेस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एज यू नो, हम साइंस वन का लेसन नंबर 2 कर रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। और हम पेज नंबर 22 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विद पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। सो नो व्हाट दे हैव आस्क्ड अस। सो व्हाट दे हैव टेल, कैन यू टेल, ऑन गोइंग थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज सीन दैट द एलिमेंट्स लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन बिलोंग टू द पीरियड 2। मतलब कहाँ है? यहाँ है सेकेंड पीरियड। ओके, इट इज हियर पीरियड 2। सो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ ऑल ऑफ देम। हमें इसे क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। तो कैसे लिखेंगे? लेट्स सी। सो पेज 23। सो लीडियम, लीडियम का क्या है? 3 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या हो गया? 2 एंड 1। ओके, देन बेरिलियम, इनका कॉन्फिग्रेशन क्या है? 4, देन 2 एंड 2। ओके, देन बोरॉन, इट इज 5, इट विल बी 2 एंड 3। देन कार्बन, इट इज 6 2 4। देन नाइट्रोजन, इट इज 7 2, कितना होगा? 5। देन ऑक्सीजन, इट इज 8 2 एंड 6। फ्लोरीन, इट इज 9 2 एंड 7। एंड लास्ट नियॉन, इट इज व्हाट? 10। सो कितना हो गया? 2 एंड 8। ठीक है, अब नोटिस करना। अभी आप उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया, इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम फॉर ऑल दिस एलिमेंट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? जो लास्ट आपका ऑर्बिट होता है उसमें कितने? अगर आप देखो, यह 1-1 से इंक्रीज हो रहा है, सबका सेम है क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन? नहीं है। तो यर आंसर विल बी नो। हाँ, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट फॉर ऑल दिस एलिमेंट। सेकेंड आंसर समझ में आया? देन इज द नंबर ऑफ शेल द सेम इन दिस? यस, आप देख रहे हो दो ही कॉन्फिग्रेशन हुआ है, तो नंबर ऑफ शेल सेम है, मतलब दो ही शेल्स हैं उनको। ओके, द नंबर ऑफ शेल इज द सेम। इतना समझ में आया आपको? नाउ यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट इन दिस एलिमेंट्स, हाउएवर द नंबर ऑफ शेल इज द सेम। जैसे कि हमने अभी देखा, सबके जो नंबर्स ऑफ वैलेंस है इट इज डिफरेंट, बट शेल्स कितने हैं? सेम है। यू विल ऑल्सो फाइंड दैट वाई गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिटवीन द पीरियड द एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाई 1। जैसे हम लेफ्ट से लेकर राइट तक जाते हैं, जैसे कि ये 2 था, ये 3 हो गया, देन ये 4 हो गया, 5 हो गया, 1-1 से इंक्रीज हो रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीज बाई 1। यहाँ 1 है तो ये 2 है, ये 3 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1-1 से इसका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। सो वी कैन से दैट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ शेल्स ऑक्यूपाइड बाई इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द सेम पीरियड। सो वॉट दे आर सेइंग, द एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ शेल्स ऑक्यूपाइड बाई इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द सेम पीरियड। सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। द एलिमेंट इन द सेकेंड पीरियड, नेमली लीडियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन एंड नियॉन, हैड इलेक्ट्रॉन्स इन द टू शेल, दैट इज के एंड एल। पहला शेल के से स्टार्ट होता है, दूसरा शेल एल, एम, एन, ऐसे इंक्रीज होता है। द एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड, नेमली सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, इनके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3 शेल्स होंगे। जैसे कि आप यहाँ देखो, सोडियम 281, मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283, सिलिकॉन 284, फॉस्फरस 285, 286, 287 एंड 288। तो आप देख रहे हो इसमें कितने शेल्स बन रहे हैं? 3 शेल्स बन रहे हैं। सो उसको हम नाम क्या देंगे? KLM। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट एंड कन्फर्म इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेम शेल वाइल गोइंग अलॉन्ग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। At the beginning of the next period, new electron shells starts filling up. Example, see the table 2 points, से हमने पीछे देखा। The number of element in the first 3 periods is determined by the electron capacity. The first 3 period के जो numbers of element है वो उसकी capacity, electron कितने बैठ रहे उस हिसाब से बताया जाता है, of the shells. And law of electron octet, see table 2.9, अब हम देखेंगे इसमें। What are the values of n for the shells K, L and M? क्या वैल्यूज है? के का कितना है? 1 है। 2 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 2। कैपेसिटी कितना होगा पहला शेल का? 2।
ओके एल का क्या है, टू है, टू इंटू टू स्क्वायर, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, बाहर की कैपेसिटी का क्या होगा, एट. एम थ्री, टू इंटू थ्री स्क्वायर, कैपेसिटी कितनी है, एटीन. एन फोर, टू इंटू फोर स्क्वायर, लास्ट कैपेसिटी इज़ व्हाट, 32. वॉट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन अ शेल, राइट द फॉर्मूला, ठीक है, एंड डिड्यूस द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द शेल के एल एंड एम. सो एज पर द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ शेल्स, टू एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड एंड एट एलिमेंट इन द सेकेंड पीरियड, द थर्ड पीरियड ऑल्सो कंटेन ओनली एट एलिमेंट. जैसे कि हम लोग कोई शेल बनाते हैं, ठीक है, तो पहले शेल में हमने दो इलेक्ट्रॉन किया, कैपेसिटी पहले शेल का टू है, देन दूसरे शेल का कैपेसिटी कितना है, एट है, एंड तीसरे सेल का भी कैपेसिटी जो है शेल का वो क्या है, 80 है, ये याद रखना आपने, ठीक है, लाइक दिस वे. द थर्ड पीरियड ऑल्सो कंटेन ओनली 8 एलिमेंट्स ड्यू टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट. देर आर फ्यू मोर फैक्टर्स विच कंट्रोल द फीलिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सब्सिक्वेंट पीरियड विच विल बी कंसिडर इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड. तो आपको वो आगे सिखाया जाएगा. द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाई द नेचर नंबर्स ऑफ वैलेंस, मतलब जो बाहर के शेल्स में कितने हैं इलेक्ट्रॉन है उस हिसाब से आपके नंबर केमिकल रिएक्टिविटी बताया जाएगा इन इट एंड द शेल नंबर ऑफ द वैलेंस शेल्स. द इंफॉर्मेशन ऑन दिस पॉइंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज प्रूव्ड यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ एलिमेंट्स. आगे चलते हैं. Periodic trends in the modern periodic table. When the property of element in a period or a group of the modern periodic table are compared, इनको जब compare किया गया, certain regularity is observed in their variation. It is called the periodic trend. Certain regularity मतलब कुछ same trend दिखा देगा, तो क्या बोलते हैं हम, periodic trends of the modern periodic table. In this standard, we are going to consider the periodic trends of only three properties of element, namely valence, एटॉमिक साइज एंड मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर. हम तीन ही एलिमेंट्स पढ़ने प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले, जो कि है वैलेंसी, एटॉमिक साइज एंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी? सो यू हैव लर्न इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, द वैलेंसी ऑफ अ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम. तो किससे डिटरमाइंड होता है? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल्स के एटम में प्रेजेंट है उससे उसकी वैलेंसी पता चलती है. ठीक है, नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स वैलेंसी? द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरियम इज 4 व्हाइल दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 8. राइट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द टू एंड डिड्यूस देयर वैलेंसी फ्रॉम द सेम. अब कैसे करेंगे वो देखना है आपको. सो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स वैलेंसी? तो क्या है, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट यही लिखना है आपको, is determined by the numbers of electrons present in the outermost shell of its atom. यही आपका first answer है. Now, next question is, the atomic number of beryllium is 4 while that of oxygen is 8. Write down the configuration and of the two and deduce their valency from the same. अब कैसे deduce करेंगे आप? ठीक है, एंड वैलेंसी, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड वैलेंसी. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड वैलेंसी? क्या है, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइन बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम. ये फर्स्ट क्वेश्चन था. अभी आपको इसका एटॉमिक नंबर निकालना है, उनका रिड्यूस करके सेम वैलेंस निकालना है. लाइक बेरिलियम, एटॉमिक नंबर क्या है, 4, 2 एंड 4 हो गया, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सॉरी 2 एंड 2 हो गया, इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई. वैसे ही ऑक्सीजन क्या है, 2 है, 2 एंड 6 हो गया, इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 2. वो आप बाद में सीखोगे, जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे वैसे सिखाऊंगी मैं आपको. ठीक है, और अब थर्ड क्वेश्चन जो है ये आप खुद कर लेना है. द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मॉडर्न टेबल. राइट इन द इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के आपको क्या करना है, इस तरीके से कॉन्फिगरेशन करना है. ठीक है, और सबकी वैलेंसी भी बतानी है आपको, जो लास्ट नंबर होगा उसका. नाउ व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड
in the variation of valency while going from left to right within the period. Explain your answer with reference to period 3, 2 and 3. So, like lithium है, मैं भी कर, इधर हमने किया है, first वाला, ठीक है? Lithium, जैसे मैं first वाला बता रही हूँ, third वाला period का भी आप ऐसे करोगे. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8. Magnesium का भी 2, 8, 1, 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 5, 2, 8, 5, ऐसा third period का भी आएगा. अगर आप देखो, in a period, change in valency of element आपको दिखते हैं, और configuration भी change होता है. A number of valence electron is different in this element, but the shells are same. दूसरा क्या है? अगर आप left से right पर जा रहे हो, एक one से increase होता है. And valence electron also increase by one. And in a period 2 and 3, while going from left to right, right valences increases. ये valences क्या होते हैं? Increase होते हैं. ठीक है? This was your question number 5th. Now let's proceed to this. कैसे लिखना है? Symbol. कॉन्फिग्रेशन वैलेंसी सिंबल क्या है? ये पोटाशियम है. इसकी वैलेंसी क्या है? इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 19. तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 2, 8, 8. 2 + 8 = 10. 10 + 8 = 18. रह क्या गया? 1. तो इसकी वैलेंसी क्या है? 1. सो यू हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट साइज वॉल्यूम इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाई इट्स रेडियस. तो एटम की साइज किससे इंडिकेट होती है? रेडियस से. Atomic radius is the distance between the nucleus of the atom and the and its outermost shells. Atomic radius is expressed in the unit picometer, PM, picometer, picometer, which is smaller than nanometer. किससे छोटा है? Nanometer से भी छोटा है. That is 1 PM equal to 10 raised to minus 12 M. Some elements and the atomic radius are given below. कुछ दिया है आपको element oxygen, इसका radius क्या है? 66. Boron 88, carbon 77, nitrogen 74, beryllium 111, and lithium 152. You will find that atomic radius goes on decreasing while going from left to right. अगर आप देख रहे हो, left का छोटा है, फिर उससे बड़ा है, बड़ा मतलब ये atomic number जो है, sorry, atomic radius grows on decreasing from while going from left to right. Within a period. The reason behind this is as follows. While going from left to right, within a period, the atomic number increases by 1. जैसा atomic number 1 से increase हो रहा है, अगर 1 से increase हो रहा है, मतलब meaning the positive charge on the nucleus increases by 1 unit, तो उसकी जो positive charge है, वो भी 1 से increase होगी 1 unit से. However, the additional electron gets added to the same outermost shell. तो additional, जो अगर आपको इलेक्ट्रॉन है वो आउटरमोस्ट शेल से क्या हो जाएगा? अगेन ऐड हो जाएगा ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज पे बहुत ज़्यादा है, मतलब क्या हो रहा है? वो अट्रैक्ट कर रहा है बाजू के शेल में, उसको ऑर्बिट कम्प्लीट करने के लिए एक या दो इलेक्ट्रॉन कम है तो दूसरा वाला शेल क्या करता है? उसे खींचने के काम करता है. तो इस तरीके से वो छोटा होता है. ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टूवर्ड द न्यूक्लियस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एंड देयर बाय द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस. इसके लिए उसके रेडियस क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं. सम एलिमेंट्स एंड एटॉमिक रेडियाई आर गिवन हियर. अगेन हियर इट इज गिवन एलिमेंट एटम. पोटाशियम 231, सोडियम 186, रेबियम 284, सी एस क्या है जो भी है 262 एंड लिथियम 152. अब आपको क्या बोला? यूज योर ब्रेन पावर बाय रेफरिंग टू द मॉडल प्रोटेबल फाइंड आउट द पीरियड टू विच द अबो एलिमेंट्स बिलोंग. अब इस ये जो अबो एलिमेंट है कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है आप चेक करो. चलो बोरॉन कार्बन ऐसा ऑक्सीजन यहाँ से हो रहा है ना, तो आप देखो ये सेकेंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है. कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है? सेकेंड पीरियड से. फाइन, इट बिलोंग्स टू सेकेंड, बिलोंग टू ग्रुप वन. ओके, पर रेफरेंस टेबल पीरियड टू हो गया ये. अरेंज द अबो एलिमेंट इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर रेडियस. अरेंज ये तो क्या हो गया? एस वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड. सॉरी, अरेंज करना मतलब आपको पीछे से लिखना. लिथियम 152, बेरिलियम 111, ये उल्टा लिखा उन्होंने. सो नाइट्रोजन 74, कार्बन 77, बोरॉन 88, ऑक्सीजन 66. मतलब यहाँ से आप अगर जा रहे हो तो बड़े से छोटा होते जा रहा है पीरियड टू में.
आपको ऐसे ही उल्ट यहाँ से अरेंज करना है, लीजियम पहले, बेरियम बाद में, नाइट्रोजन बाद में, कार्बन, बोरॉन एंड ऑक्सीजन। और डज दिस अरेंजमेंट मैच विद द पैटर्न ऑफ द सेकेंड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मैच करता है क्या? तो ये मैच कैसे करेगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। विच ऑफ द अवेलेबल हैज द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम? सबसे बिगेस्ट किसमें है? 152 लीथियम में, और स्मॉलेस्ट किसमें है? ऑक्सीजन में है। ठीक है, वॉट इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व इन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड? क्या ट्रेंड नजर आ रहा है? अभी हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो एटॉमिक साइज भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये याद रखना है। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर। जो आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।